नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अयोध्या में पांचवें दीपोत्सव की तैयारियों की कवायद शुरू हो चुकी है। इस साल होने वाले दीपोत्सव में बेहद खास स्वरूप दिखाई देने वाला है। बता दें कि अयोध्या शहर के जीआईसी मैदान में 28 अक्टूबर को भव्य बाजार मेले का आयोजन किया जाएगा, जो 3 नवम्बर तक चलेगा। इसके लिए नगर निगम की तरफ से इस पूरे मेले को लगाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सैकड़ों दुकानदार अपने सामानों की बिक्री करेंगे। वहीं अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि सीएम योगी के निर्देश पर दीपोत्सव से पहले दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपोत्सव मेले के रूप में चलेगा। शहर के जीआईसी ग्राउंड में दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से दीपोत्सव मेला लगवाया जाएगा। इस मेले में पटरी दुकानदार भी दीपोत्सव में अपनी दुकान लगाएंगे। उन्होंने कहा कि कुम्हार भी अपना स्टॉल लगाएंगे। दिवाली संबंधित सामानों की बिक्री होगी और भी कई विभागों के स्टॉल इस पूरे कार्यक्रम में लगाए जाएंगे। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। जगह पर लगेगी, जिससे हमारे जन सामान्य को भी सुविधा रहेगी और इनको भी सुविधा रहेगी। मिठाई है या दिवाली से संबंधित जितनी भी लाई मिठाई, दिया, दिवाली, जितनी भी प्रकार की चीजें होती हैं, सब एक जगह पर सुलभ रहेंगे। खादी ग्रामोद्योग उद्योग विभाग द्वारा ऐसे अनेक स्टॉल हम लोग सबको निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं कि उस मेले में रहेगा। और दीपोत्सव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, आया था कि मेले का आयोजन नगर निगम करें। उस क्रम में हम लोग नगर निगम द्वारा ये मेले का आयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया था कि अयोध्या की जो आंतरिक गलियां हैं, उनको फिर से बनाने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको स्वीकृति प्रदान करते हुए अयोध्या जोन को 34 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिया, जिसका टेंडर हो गया। और मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना से जो विस्तारित क्षेत्र हमारे 41 राजस्व ग्राम आए थे, उसमें लगभग 48 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए रामनगरी से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। नगर निगम भी उनका बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन करता है। इसके बावजूद फैजाबाद जोन के जो 45 वार्ड हमारे हैं, इसके भी 74 करोड़ का DPR शासन द्वारा मंगाया गया, वो भी हम लोगों ने भेज दिया है। जल्द ही उसका भी पैसा आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भगवान राम की दिवाली अयोध्या में पूरे देश को संदेश देती है, तो यहाँ नागरिकों की जो जन सामान्य की सुविधा है, वो सभी वार्डों में, सभी जितने हमारे यहाँ विस्तारित क्षेत्र में हैं, सभी गलियाँ बहुत अच्छी बन जाएंगी, जिससे पूरी अयोध्या जो रामराज की परिकल्पना है, वो अयोध्या में साकार दिखने लगेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 7.5 लाख से ज़्यादा दीयों का, और उससे और भी ज़्यादा संख्या में अगर हो सकेगा, संभव हो पाएगा, तो दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया। और प्रभु राम की नगरी में दीपावली एक पर्व, महापर्व के रूप में जो है, विजय उत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे। और राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है, उसकी दुगनी खुशी के देखते हुए ये हमने लक्ष्य रखा है कि हम 7.5 लाख से भी ज़्यादा। वहीं सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव में लगने वाले बटेश्वर मेले की अनदेखी का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया गया है। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले बटेश्वर मेले से लाखों लोगों का व्यापार जुड़ा है। पशु हाट न लगने से देश भर के व्यापारी इस वक्त निराश हो रहे हैं। मेला न लगने से आक्रोशित मधुसूदन शर्मा कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और बटेश्वर मेले में लगाए जाने की मांग उठाई। देखिए, सैकड़ों साल से बाहर विधानसभा में आगरा जनपद में बटेश्वर का मेला उत्तर भारत का प्रमुख मेला माना जाता है। कई साल से ये मेला आयोजन नहीं हो रहा है, जिससे वहाँ किसान, व्यापारी और वहाँ की जनता परेशान है। ये मेला एक महीने का आयोजन जिसका होता है, लोग इंतजार करते हैं इस मेले को, जनता और किसान इंतजार करती है कि मेले का आयोजन आए, जिससे हमारा पशु घोड़े तमाम, बैल तमाम हम खरीदेंगे, तमाम हम बेचेंगे। लेकिन कई साल से ये आयोजन हुआ नहीं। व्यापारी भी इसलिए परेशान है कि ये एक महीने
ये मेला लगता है और ये इंतजार करता है कि बटेश्वर का मेला लगेगा, हमारा व्यापार, वहाँ की जनता, मूलभूत जो वहाँ का फायदा होता है, मूलभूत जो समस्याएं होती हैं बटेश्वर के मेले के आयोजन पे, वहाँ बटेश्वर के आसपास जो व्यवस्था होती है वो भी व्यवस्था नहीं हुई, सुधार नहीं हुआ कई साल से। वहाँ के किसान पीड़ित हैं कि ये मेला, और उनकी मांग है किसानों की, हम किसानों की तरफ से, वहाँ की जनता की तरफ से, वहाँ के व्यापारियों की तरफ से ये मांग करते हैं कि ये मेला शासन और प्रशासन ये मेला को शीघ्र वहाँ शुरू कराए, जिससे किसान और जनता और व्यापारियों की आमभूत समस्या का निराकरण हो सके। आज जो प्रेस वार्ता रखी जिलाध्यक्ष जी ने, उसमें ये मांग रखी पार्टी ने कि जो बरसों पुराना जो लक्खी मेला लगता था बटेश्वर, जो जिला पंचायत लगाती, वो संस्था के हमारे प्रतिनिधि रहे हैं और हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि इस मेला को लगाया जाए, जिससे वो आसपास का ग्रामीणों का जो मेला आती है, इसमें पशु हैं, वहाँ उनको उनकी खरीद फरोख्त होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो बटेश्वर में इस मेले के द्वारा वहाँ बटेश्वर के आसपास जो विकास होता है वो भी दो साल से विकास रुका पड़ा हुआ है, हमारी ये मांग है प्रशासन। वहीं पहाड़ों पर हुई बारिश का असर अब रायबरेली में भी दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर पिछले दो दिनों में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। गंगा घाटों के किनारे स्थित दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। यही नहीं, शमशान घाट पर भी शवों को दाह संस्कार में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो बारिश के समय भी गंगा का जलस्तर इतना नहीं बढ़ा था जितना पिछले दो दिनों में जलस्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है। नहीं, तेजी से बढ़ रहे गंगा के जलस्तर को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। सभी लेखपालों को क्षेत्र में नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कई टीमें भी गठित की गई हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली थी, तत्काल हमने लेखपालों की टीमें लगा दी थी और उनको निर्देशित कर दिया था कि वो जहाँ जहाँ नीचे नीचे स्थान है वहाँ पर जाकर लोगों को सूचित कर दें और उनको बता दें कि वो वहाँ से दूर होकर जाएँ, और लगातार हमारी टीमें वहाँ पर तैनात है, आगे जो भी कार्रवाई होगी। दो दिन में पानी इतना पड़ गया है, दुकानों में पानी इतना बढ़ गया है कि हमारा लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, और घाट सब शमशान घाट जलाने के लिए सब जगह नहीं बाकी बची है और इसके लिए काफ़ी दिक्कत है। वहीं संभल में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने पैदल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। भाकियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि लखीमपुर की घटना के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का दर्जा दिया जाए, देश भर में बेमौसम बारिश और बाढ़ के कारण किसानों की धान, दलहन, तिलहन, आलू, बाजरा आदि की फसलें भी भारी नुकसान का सामना कर रही हैं, किसानों के मुआवजे का 100% मुआवजा उन्हें दिया जाए, वहीं देश में किसानों को फसल की बुआई के लिए खाद की भी जरूरत है, लेकिन किसान खाद के लिए इस वक्त कतार में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 17.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पानी को नुकसान पहुंचाने और आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाने को लेकर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। इस कार्यवाही के दौरान कुल 11 उद्योग चिन्हित किए गए। इन सभी 11 उद्योगों पर कुल 280 करोड़ की पेनल्टी लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई, जिसमें उन्नाव के रहमान इंडस्ट्री का लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। हाल में एक हमारा प्रकरण था माननीय एनजीटी में, अपील थी 14, 15, 16, 17, 18, 2020 की थी, जिसे माननीय एनजीटी ने आदेश किया था बोर्ड के लिए कि जो रनिया में हमारा एक डंपिंग साइट था इलीगल, वहां पे कितने उद्योगों ने डंप किया था जिससे ग्राउंड वाटर पूरा वहां का कंटेमिनेट हो गया, तो उसमें कुल 6 उद्योग दोषी चिन्हित किया है बोर्ड ने, 6 उद्योग हैं, यहाँ उन्नाव का एक है हमारा, 6 कानपुर देहात की थी और 4 कानपुर नगर की। ये कुल 11 उद्योगों पर कुल टोटल 280 करोड़ के पेनल्टी लगाना की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें उन्नाव में एक है मिसर्स रहमान इंडस्ट्रीज, इसका पुराना नाम था भारत केमिकल उद्योग,
इसके ऊपर 17,18,49,646 रुपए की पेनाल्टी के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनका पक्ष लिया गया है, 15 दिन में आप अपना पक्ष दें कि ये कार्रवाई। वही मैनपुरी जनपद के बेवर में एसडीएम और थाना प्रभारी ने आतिशबाजी बनाने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानदार को तेज आवाज में पटाखे न बनाने की हिदायत दी गई। एसडीएम राम नारायण त्रिपाठी और थाना प्रभारी विजय गौतम ने कस्बे में शस्त्र लाइसेंस की दुकानों सहित आतिशबाजी वाली जो दुकानें थी उनका औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने सभी शस्त्र विक्रेताओं को नियम का पालन करने को कहा है। प्रभारी निरीक्षक ने आतिशबाजी बनाने वाले दुकानदारों को तेज आवाज के पटाखे और खतरनाक या ज्यादा धुआं निकलने वाले पटाखे न बनाने की चेतावनी दी है। वहीं सिद्धार्थनगर जनपद में संविदा कर्मचारी की दुर्घटना से मौत हो गई। वहीं संबंधित अधिकारियों को समय से न पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर वो धरने पर बैठ गए। दरअसल पूरा मामला गलहौरा थाना क्षेत्र के जिगनी हवा चौराहे का बताया जा रहा है, जहां बिजली विभाग के एक संविदा कर्मचारी की पोल से गिरकर मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना को देखते ही देखते काफी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारी कर्मचारी के न पहुंचने पर परिजन और स्थानीय लोगों ने इटवा बासी सड़क जाम कर वो वहां पर धरने पर बैठ गए। सूचना पर आदिशासी अभियंता महिला थाना सहित कई थानों के पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और समझा बुझा कर जाम को खुलवाया गया। मार्केट में अशोक यादव नाम का विद्युत संविदा कर्मी पोल पे चढ़ करके तार को ठीक कर रहा था, जिसमें करंट नहीं प्रभावित था, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया, वो पोल से नीचे गिर गया, जिसके मौके पे मृत्यु हो गई। इसको लेकर के स्थानीय कुछ लोग बिजली कर्मी बिजली के अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। उन्हें आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके नाते थोड़ी देर के लिए लोग सांकेतिक रूप से हल्का रोड जाम किए थे। सांकेतिक मौके पर फिर एक्शन आ गए, पुलिस मौके पर आ गई और उस रास्ता खुलवा दिया गया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।